बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई कलाकार रातों रात पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं और कुछ टूट जाता था, जिस दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज सिक्स पैक्स ऐप और बॉडी बिल्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। उस दौर में ये अपने सिक्स पैक ऐप से हर दर्शक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ये मार्शल आर्ट्स में भी काफ़ी एक्सपर्ट थे, लेकिन कैसे ये इतने शानदार कलाकार बॉलीवुड से अचानक रातों रात गायब हो गए? आखिर कैसे इस कलाकार ने खुद को बॉलीवुड से एकदम अलग कर लिया? आज इसकी सारी कहानी हम और आप जानेंगे। इनकी करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी जिगर, जो कि मार्शल आर्ट पर बेस्ड फिल्म थी। यह फिल्म आई थी साल 1992 में। इस फिल्म में अजय देवगन, करिश्मा कपूर और महाभारत में अर्जुन बनने वाले फिरोज खान जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन सही मायनों में अगर किसी कलाकार को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था तो वो कलाकार हुसैन खान थे। अपने छोटे से रोल में इन्होंने अपने हुनर से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इनका नाम हुसैन खान। जिगर से पहले भी हुसैन, असल में हुसैन खान ईरान के रहने वाले हैं। इनका वास्तविक नाम है खुसरो खली पन्हा। अपने देश ईरान में रहकर ही इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद ये इंडिया में कुछ लोगों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देने लग गए। इनकी गजब की पर्सनालिटी और बेमिसाल बॉडी ने कई फिल्म डायरेक्टर्स को इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। इन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इनके बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म बताई जाती है जानी दुश्मन, जो कि आई थी साल 1989 में। हालांकि इस फिल्म में हुसैन खान बड़े ही छोटे से रोल में नजर आए थे। जानी दुश्मन के बाद हुसैन खान ने कुछ और फिल्मों में भी छोटे छोटे किरदार निभाए थे। ये फिल्में थी जुर्रत, शिवा, खूनी महल और घर जमाई। अधिकतर इनको फिल्मों के मेन विलन के गैंग में शामिल एक गुंडे के तौर पर ही देखा जाता था और ये अक्सर फिल्म के मेन हीरो से ही भिड़ जाया करते थे। खास बात यह है कि जो सीन में भी हुसैन खान फिल्म के हीरो से लड़ाई करते थे, उस सीन में मार्शल आर्ट का टच जरूर नजर आता था। हुसैन खान शुरू से ही ब्रूसली के बड़े फैन रहे हैं। यही वजह है कि इनकी बॉडी की शेप काफी हद तक ब्रूसली की बॉडी जैसी ही थी। ये बॉलीवुड में स्टंटमैन के तौर पर भी काम किया करते थे। एक दिन हुसैन खान पर नजर पड़ी उस दौर के बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की। वीरू काफी समय से चाहते थे कि उनके बेटे अजय देवगन को लेकर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड हो और अब तक की सभी हिंदी फिल्मों से एकदम हटकर स्टंट्स उसमें दिखाई। वीरू देवगन ने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी को अपने दिल की ये बात बताई और आखिरकार इन दोनों ने मिलकर फिल्म जिगर बनाने का फैसला किया। हालांकि इन्हें अभी तलाश थी एक ऐसे एक्टर की जिसकी बॉडी और पर्सनालिटी मार्शल आर्ट के सीक्वेंस करने के मुताबिक ही हो। तो वीरू देवगन ने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी को हुसैन खान का नाम सुझाया। बस यही हुसैन खान के फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिल्म में हुसैन खान बाबा ठाकुर यानी अजीत खान के बेटे बने हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हुसैन खान के कई शानदार एक्शन सीक्वेंस रखे गए। हालांकि फिल्म में एक फाइटिंग मैच के दौरान हुसैन खान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो व्हीलचेयर पर बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म में वीरू देवगन और अजय देवगन को हुसैन खान का काम काफी ज्यादा पसंद आया था। इस फिल्म के बाद वीरू देवगन ने हुसैन खान को फिल्म जान, प्लेटफॉर्म और दिव्य शक्ति में छोटे छोटे किरदारों के लिए भी कास्ट किया था। अब हुसैन खान कनाडा के नागरिक बन चुके हैं और वहीं पर रहते हैं। इनके बारे में कुछ लोग दावा करते हैं कि इनके दो बेटे हैं जिनका नाम आर्यन और अमीर खलगा पन्हा है। वेल दोस्तों, बॉलीवुड के हुसैन खान उर्फ बॉलीवुड के ब्रूसली को लेकर आपका क्या कहना है और क्या आपने इनकी इन फिल्मों को देखा है या नहीं, कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।